नमस्कार दोस्तों, मेडिसिन रिव्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अक्सर मैं देखता हूं कि सर्दियों के दिनों में आपकी स्किन ड्राई होती है। ऐसे में ड्राई स्किन से छुटकारा पाने के लिए आप ग्लिसरीन और गुलाब जल का इस्तेमाल करते हैं, जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं। दोस्तों, यह रहा रोज वाटर और यह रहा ग्लिसरीन। रोज वाटर तो नेचुरल है, परंतु ये ग्लिसरीन नेचुरल नहीं, आप इसे घर में बना नहीं सकते। दोनों का इस्तेमाल हर कोई करना चाहता है, मगर इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसे कब और कैसे इस्तेमाल करना है। इसका साइंटिफिक रीजन भी बताऊंगा कि क्यों इसे इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, ग्लिसरीन और गुलाब जल दोनों ही त्वचा को नमी पहुंचाने का काम करते हैं, पर दोनों दो अलग अलग चीज है। त्वचा के लिए अलग प्रकार से काम करते हैं। जैसे कि बात अगर ग्लिसरीन की करें, तो ये ग्लिसरीन के रूप में जो आप ग्लिसरॉल इस्तेमाल करते हैं या फिर ग्लिसरीन इस्तेमाल करते हैं, यह वेजिटेबल और एनिमल फैट से बना होता है। तो वही गुलाब जल गुलाब की पंखुड़ियों से बनता है। मेरे पास यह सिर्फ 40 रुपीज का यह प्रोडक्ट है। आप बहुत सारे वेरिएंट से अलग अलग ब्रांड के इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्लिसरीन एक ह्यूमेक्टेंट का काम करता है, त्वचा की नमी प्रदान करता है, त्वचा में नमी को बरकरार रखता है। दरअसल ह्यूमेक्टेंट हवा से नमी खींचकर और उसे त्वचा तक पहुंचाने का काम करता है। इस मॉइस्चराइजिंग और ह्यूमेक्टेंट गुणों के कारण ग्लिसरीन झुर्रियां और डेड स्किन और ब्रेकआउट को रोकने में मदद करता है। त्वचा के समय स्वास्थ्य में सुधार करता है। दूसरी तरफ बात करें गुलाब जल की, गुलाब जल आपको शांत बनाता है। गुलाब जल संवेदनशील त्वचा के लिए फायदेमंद है, यानी कि सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद है। त्वचा की परतों को यह शांत करने का काम करता है। दूसरी बात, दोनों ये अगर आप साथ में इस्तेमाल करते हैं तो आपकी स्किन बढ़िया बनेगी। अब ये ग्लिसरीन कब लगाना है और कैसे इस्तेमाल करना है ये बताता हूं। ग्लिसरीन एक नेचुरल मॉइस्चराइजर है, डेड स्किन को हटाता है, आपकी स्किन की मरम्मत करता है। साथ ही में ये दाने के निशानों को भी कम करता है, त्वचा को अंदर से उज्ज्वल करता है, प्रज्वलित करता है, रिजुविनेट करता है। ये झुर्रियां और जो लाइन्स है उसे कम करता है, स्किन इन्फेक्शन से बचाता है। ग्लिसरीन का इस्तेमाल आप कभी भी कर सकते हैं, पर इसे रात में लगाना फायदेमंद साबित होगा। रात में लगाकर इसे सो जाए। इसे आप कई प्रकार की तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, एंटीवायरल गुण होते हैं, ह्यूमेक्टेंट है, नेचुरल मॉइस्चराइजिंग है, ऐसे गुण आपको मिलेंगे। चेहरे को साफ करने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। सोराइसिस या फिर एक्जिमा हो, डेड स्किन हटाना आए, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फटी एरिया को, हाथों को यह मुलायम बनाता है, फटे होठों को ठीक करने का काम करता है, इसलिए लिपस्टिक में ग्लिसरीन मिलाया जाता है। अब इसे कैसे इस्तेमाल करना है। स्किन पर सीधे उपयोग करने से पहले हमेशा ग्लिसरीन को पतला करें, यानी कि पतला करने के लिए आप ये रोज वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ग्लिसरीन सूट होता है कि नहीं ये जानने के लिए आप पैच टेस्ट कर सकते हैं, यानी कि कान के पीछे की जो भी स्किन है वो स्किन को आप इसे थोड़ा सा लगाकर देख सकते हैं। अगर एलर्जी हुई, खुजली, रेडनेस है तो इसका इस्तेमाल ना करें। अगर आप इसे लगाना चाहते हो, यह ग्लिसरीन को आप नींबू के रस में मिलाकर लगा सकते हैं। ओटो पर फटे हुए एडिया या फिर सोराइसिस, एक्जिमा, हाथों को मुलायम बनाने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। त्वचा के लिए इसके बहुत फायदे होते हैं। ये निशानों को हल्का करता है, दाग धब्बे दूर करता है, इतने नहीं ड्राइनेस को दूर करने के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है।
दूसरी बात ये गुलाब जल की, गुलाब जल यानी कि रोज वाटर या फिर हम गुलाब जल पानी भी कह सकते हैं, ये पंखुड़ियों से बनता है, सुगंध बढ़िया है, औषधि इसमें गुण भी है जैसे कि एंटीबैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक और कूलेंट है, आपकी स्किन को ये सूदिंग करता है। यह बहुत ही फायदेमंद ऐसा गुलाब जल होता है जो त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बनाने के लिए बहुत ही फायदेमंद है, क्लींजिंग के रूप में और ये ग्लिसरीन को पतला करने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। त्वचा की टोनिंग के लिए आप ये गुलाब जल का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेचुरल मॉइस्चराइजर है, ऑयली स्किन हो, ब्लैक हेड्स हो, व्हाइट हेड्स हो, एक्ने जैसी समस्याओं को रोकने के लिए ये बहुत ही फायदेमंद होता है, इसलिए सर्दियों के दिनों में दोनों का इस्तेमाल करते हैं। अभी आकर आप गुलाब जल ही इस्तेमाल करना चाहते हो तो मैं कैसे इस्तेमाल करते हैं मैं बताता हूं। इसे यूं ही अपने चेहरे पर सुबह उठते ही लगा दो, त्वचा की सूजन कम करेगा, आपका चेहरा फ्रेश बना देगा। किसी भी फेस पैक में इसे लगाकर इस्तेमाल करना, आपकी देसी स्किन केयर नुस्खों में मिला सकते हैं। गुलाब जल को आप चेहरे पर लगाकर सो जाए, पर इसके लिए पैच टेस्ट कर ले, हो सके तो होममेड गुलाब जल का ही इस्तेमाल कर लेना। अभी ये गुलाब जल ऑयली और सेंसिटिव स्किन के लिए भी फायदेमंद है, ड्राई स्किन के लिए भी फायदेमंद, ये याद रखना। एंटी एजिंग गुणों से भी ये भरपूर होता है, एंटी इंफ्लेमेटरी यानी कि सूजन को कम करता है, क्योंकि इसमें टैनिन पाया जाता है, एंथोसाइनिन पाया जाता है और इसमें ऑयल इतने बढ़िया क्वालिटी के होते हैं जो नेचुरल होते हैं, जो इन्फ्लेमेशन स्किन की जलन कम करता है। ये तो रहा ब्रीफ इंट्रोडक्शन गुलाब जल और ये ग्लिसरीन के बारे में, ये मैंने अलग अलग बताया है। अभी सर्दियों के दिनों में अगर आप इसे इस्तेमाल करना चाहते हो तो वन प्रोपोर्शन इस्तेमाल कर सकते, एक चम्मच इसका। अभी इसका उपयोग इसे पतला करने के लिए और दोनों साथ ही में उपयोग करने से आपकी स्किन की नमी आपको वापस मिलेगी। दोस्तों बहुत ही फायदेमंद ऐसा ये प्रोडक्ट है, स्किन की ड्राइनेस को आप दूर कर सकते हैं, सर्दियों के दिनों में आपकी स्किन की रक्षा कर सकते हैं, इतना ही नहीं डेड स्किन हटाने के लिए बहुत ही फायदेमंद ऐसा प्रोडक्ट है, स्किन का ब्लैकनेस, रिंकल्स, झुर्रियां को हटाने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।